हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मीशो से जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बाय करते हैं वो ऑनलाइन जो भी शॉपिंग जो होता है उससे वो चीप प्रोडक्ट्स मतलब कम दाम में वो मिलता है मीशो पे, ठीक है। तो वैसे तो उससे भी कम हमारे जो लोकल मार्केट वहाँ मिल जाते हैं, बट आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है। आपको यहीं ख़त्म करके मैं प्रोडक्ट्स जो लेकर के आई हूँ मीशो से वो बता देती हूँ। मैं मीशो से ईयरिंग्स हॉल वीडियो कर रही हूँ, ठीक है। क्या आप ईयरिंग्स, इससे पहले भी मैंने ईयरिंग्स वीडियो डाली है, वो एक झुमका था ग्रीन कलर का, और उसके बाद मैं आपको ब्लैक कलर का एक झुमका बाली दिखाऊंगी जो बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद किसी भी कलर टोन पे, किसी भी गर्ल्स लड़की जो भी आप जो भी वेयर करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। चलिए अब बात को यहाँ बढ़ाते हुए पहले उसकी पैकेजिंग दिखा देती है। बहुत सारे लोग के पैकेजिंग की प्रॉब्लम होती है कि पैकेजिंग बहुत ख़राब तरीके से आता है, तो पैकेजिंग इस तरीके से आता है। मैंने पहले भी बताया है कि पैकेजिंग इस तरीके छोटे से पाउच में आती है, देन उसके बाद इस तरह के गद्देदार जो होता है ना, गद्देदार तरीके का जो बबल्स बोलते, तो बबल्स तो इसमें है नहीं, इसको खक्सा बोलते हमारे साइड, आप लोग के साथ क्या बोलते हैं बताइएगा। देन इसको टेप से, वाइट टेप से, येलो टेप से इसको रेफर किया रहता है ताकि वो प्रोडक्ट्स जो अंदर डब्बी में पैक है वो निकले ना, टूटे ना, और इसी में फोल्ड रहे, क्योंकि जो भी पार्सल आता है बहुत सारे जगहों से वो पास होकर के आता है, ठीक है। तो इसी वजह से टूटने की वजह से ये पैकेजिंग ये ऐसा किया होता है। तो मैंने अभी तक जितने भी इयरिंग्स ऑर्डर किया है सभी में ऐसे ही पैकेजिंग आई है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, ताकि इयरिंग्स टूटे ना। पिछले वाले वीडियो में इयरिंग्स का जो ब्लैक ग्रीन कलर का था उसमें बचवा जो एक था वो निकला हुआ था, मतलब एक जो लड़ी था मतलब नीचे का लुटकन वो एक निकला हुआ था। देन इसको आप देखिएगा इस तरह से डिब्बी में आती है। इस डिब्बी में आने का रीज़न ये है, इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है कि अगर हिलेगा भी तो इसी के अंदर गिरेगा, मान के चलिए कुछ इसमें से टूटता है तो इसी के अंदर ही रहेगा। तो मुझे ये डिब्बी भी बहुत पसंद है, इसको मैं पर्सनली कहीं पे जाती हूँ तो इसमें कुछ कुछ कैरी कर लेती हूँ, देन ज्वेलरी हो गया या फिर कुछ और भी उसमें खाने पीने की चीज़ छोटी मोटी चीज़ बच्चों के लिए मेंशन करना इसमें रख सकते हैं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रीयूज़ करती हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे इसका पैकेजिंग तो खोल दी आपको दिखा भी दिया, अब इयरिंग्स की बारी आती है। इयरिंग्स ये हैं, ब्लैक कलर की इयरिंग्स है, गोल्डन एंड ब्लैक कलर की। आप लोग परचेस किए होंगे तो बताइएगा कि आपने मतलब पहना तो कैसा लगा। मैंने बहुत टाइम से इसको सोच रखी थी कि मैं इसको लूँगी, बट अब कुछ प्रॉब्लम थी इसी वजह से ले नहीं पा रही थी, अभी मैंने इसको परचेस किया। मुझे बहुत टाइम से इसका मतलब नीड था, मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था ये, कब से सोच रही थी कि मैं अब लूँगी, फाइनली मैंने इसको ले लिया। देन सोची कि पहले रिव्यू डाल देती हूँ, इसको वेयर करके मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए पहले इसमें 5 झुमकियाँ लगी हुई है, छोटे छोटे 5 झुमके लगे हुए हैं, उसके नीचे फिर वाइट कलर की मोती उसी बचवा हम लोग बोलते हैं, बचवा लटका हुआ है। देन उसके बाद आपको वाइट कलर का मोती यहाँ लगा है, वाइट कलर का मोती यहाँ लगा, फिर यहाँ पे फ्लावर्स का देख लीजिए, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर्स पे वाइट कलर का नग दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से एकदम नग को दिया गया, चिपकाया गया ताकि वो नग निकले ना। देन इसमें चांद बनाया गया, छोटा सा चांद ये है, फिर बड़ा चांद है, उसके बाद गोल्डन फेस पे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाई गई, बहुत ही अच्छा वर्क किया गया। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे आपका ये पेच दिया गया रबड़ पेच, पीछे पेंट भी देख सकते हैं, पिछले वाले में पेंट आपको दिखाए थे पीछे का पेंट वो निकला हुआ था, इसमें पेंट वैसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं तो निकलने का चांस भी नहीं है। अब चलिए मैं इसको वेयर करके दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए मैंने अपने इयरिंग्स उतार लिया, मैंने एक इयरिंग्स भी वेयर कर लिया है, देख देन सेकेंड इयरिंग्स वेयर कर रही हूँ। उतना खास कुछ मतलब भारी है नहीं, बट जितना इसका लुक बताया बनाया गया इसको करेगी वो की गई है उससे तो कम ही है। अब देख सकते हैं कैसा इसका लुक है, आप इसको ब्लैक के साथ, वाइट के साथ, किसी भी गोल्डन के साथ इसको आप पेयर कर सकते हैं, मान गोल्डन साड़ी हो, ब्लैक साड़ी हो, वाइट साड़ी हो, या फिर गोल्डन पटियाला हो, वाइट पटियाला हो, ब्लैक पटियाला हो, या फिर आप क्या बोलते हैं जींस पे मतलब कुर्ती वेयर करती है उस पर चूड़ा वेयर कर लीजिए, ये लेडीज़ के लिए बता रही हूँ। अगर जो गर्ल्स सूट वेयर करती हैं सूट पे पहन सकती है, गाउन पे पहन सकती है, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, देख सकते हैं। मैंने इस बाल को इसलिए क्लचर लगा लिया था ताकि मुझे वेयर करने में आसानी हो। देन देख लीजिए कैसा इसका लुक है, कैसा लग रहा है मेरे पे बताइएगा ज़रूर,
कि मेरे पे कैसा लग रहा है। और आप लोग अगर बाय किए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अपने अपने रिव्यू को शेयर करें, कमेंट कीजिएगा कि आपने ये बाय किया है। अगर बाय करने वाले हैं तो आप बताइएगा, बाय करने मतलब कर लीजिएगा तो पहन कर कैसा लगा आपको। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए इतना सा भी हेल्पफुल रहा हो या फिर ईयरिंग आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।